So, very good morning students, and today we are starting with the chapter number 3 from your book Vista, which is the journey to the end of the earth, right? So this has been written by Tishani Doshi, and in the journey to the end of the earth chapter, Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, which is Antarctica. So the world's geological history is trapped in Antarctica. Geoffs Greens, which is Students on Ice program, aims at taking high school students to the end of the world. Doshi thinks that Antarctica is the place, and to understand the Earth's present, past and future. ठीक है, इनके स्कूल का एक कंपटीशन था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तिशानी दोषी ने सोचा कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी प्लेस है कि जहां के लोग इस बात को बहुत अच्छे से सोचते होंगे, इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र करते होंगे, और उनका स्कूल उन्हें की अपॉर्चुनिटी दे रहा है वहां पर पहुंच करके बात करने की, जिससे उन्हें अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की तिथि समझ में आ जाए। ठीक है, समझ गए? ओके। सो द नरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप जिसका नाम था एकेडमिक शोकलेस्की। इट वॉज हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट, विच इज एंटार्क्टिका। हिज जर्नी बिगैन एट 1309 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, चेन्नई, एंड ही क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वॉटर एंड एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच देयर। 650 मिलियन ईयर्स अगो, अ जायंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच इज गोंडवाना डिड इनडीड एग्जिस्ट। It centered roughly around the present day of Antarctica. Human beings hadn't arrived on the global scene. The climate at the time was much warmer, and it supported a huge variety of flora and fauna. When the dinosaurs became totally extinct and the age of mammals began, the landmasses were forced to separate into countries as they exist today. The purpose of the visit is to study ozone and carbon, their evolution and extinction. One needs to understand the significance of Cordillera fields, and 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica only. There are no human settlements, no trees, no buildings in Antarctica. Icebergs are as big as countries. पूरे पूरे देश के बराबर के होते हैं आइसबर्ग, जो पहाड़ होते हैं बर्फ के। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 डिग्री, कभी रात नहीं होती, 2400 घंटे, 24 आवर्स, सिर्फ और सिर्फ दोपहर रहती है, सूरज चमकता रहता है, दिखता रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ठंडा, इतना ज्यादा टेम्परेचर उसका है कि वहां पर कोई ह्यूमन बींग है ही नहीं, सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं भी नहीं, और बहुत बहुत मुश्किल से कुछ चीजें वहां पर वर्क कर पाती। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कैसे उन्होंने चेन्नई से अपनी जर्नी बिगेन करी, चेन्नई से चलना शुरू किया। 9 टाइम जोन समझते हैं आप लोग? टाइम जोन, जैसे कि हम यहाँ इंडिया में हैं तो हमारा टाइम फॉर एग्जांपल 2:15 हो रहा है, तो जो पर्सन समुंदर क्रॉस करके, ओशंस को क्रॉस करके अमेरिका में बैठा, उसके पास 2:15 नहीं हो रहा होता। तो ये टाइम जोन रहते। इंडिया कौन सा टाइम जोन फॉलो करता है? वेरी गुड, ग्रीनविच टाइम, विच ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू इंडिया, एंड वी फॉलो द IST टाइम। कभी कभी आप देखिएगा तो उसमें IST लिखा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, सो
इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पिशानी दोषी डिस्क्राइब द जर्नी टू द कोल्डेस्ट एंड द ड्राइस्ट प्लैनेट एंड द वर्स्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका. ठीक है, जो दुनिया की जो पूरा ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है वो वहीं पर फंसी हुई है. जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जियोफ ग्रीन का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसके तहत बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कहां से कहां तक जा सके. ठीक है, एंड इट एम्स ऑन टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दोषी थिंक्स दैट एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक, तो इतनी सी है ये स्टोरी. Now we'll begin with the text. This is like only 1, 2, 3, 4, 5 pages. So probably we'll try. I can finish all the 5 pages today as well. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे दो parts में divide कर लें जिससे कि हमारा video काफी लंबा ना बने. ठीक है, तो we are beginning. This is chapter number 3, Journey to the End of the Earth from your book Vista. And before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. Right? Early this year, I found myself about aboard a Russian research vessel, which is the Academic Shokalovsky, and which is heading towards the coldest, windiest and driest planet in the world, which is Antarctica. My journey began 1309 degrees from the north of equator Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies of water and at least as many same ecospheres. Now about ecospheres, you must have read in your environmental, right? If you don't know, you can Google it and find out what it is. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car. 100 घंटे की ट्रैवलिंग के बराबर ट्रैवल कर चुके थे. और सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बी a time when India and Antarctica were part of the same landmass. क्या आपको पता है Pangaea किसे बोलते हैं? Do you people know what is Pangaea? नहीं, geography में कभी आपने पढ़ा होगा. Wait, let me get a piece of chalk. चलो, देर इज नो चौक, सो देर इज नो नीड टू वरी. पहले ये जो हमारे वर्ल्ड का मैप आपको पता है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में यहां पर रशिया, है ना, रशिया के नीचे साउथ अफ्रीका और उसके इधर बगल में एशिया जिसके नीचे हमारा इंडिया, और ये सब ऐसे घूमते घूमते यहां पर ऑस्ट्रेलिया. इसी तरीके से तो वर्ल्ड फैला हुआ है ना, हमारी तरफ से ऐसा है, आपकी तरफ से ऐसा दिखेगा. ठीक, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इंडिया, यहाँ पर ये पूरा एशिया है ना, ये ऊपर का हिस्सा हो गया रशिया, ये उसके नीचे हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका. गॉट द पॉइंट? तो ये सारे लैंड मासेस पहले आपस में जुड़े हुए थे, सारे के सारे एक थे, बीच में कोई समुद्र नहीं था, समुद्र सिर्फ चारों तरफ था, जिसे बहुत करोड़ों अरबों साल पहले जिसे पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया. फिर धीमे धीमे दीस कॉन्टिनेंट दे स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अपार्ट, धीमे धीमे अलग हुए, तो ये एक टुकड़ा अलग बन गया जिसमें दो तीन जुड़े हुए थे, ये एक टुकड़ा अलग बन गया जिसमें दो तीन जुड़े हुए थे, फिर ये एक टुकड़ा अलग बन गया, धीमे धीमे फिर ब्रेक होते 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 आज हमारे पास कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये लास्ट में ऑस्ट्रेलिया एक टुकड़ा जो नीचे सबसे अलग हो गया उसको ऑस्ट्रेलिया बोल दिया गया. ठीक, तो ये सारे जो जुड़े हुए थे इनको देख करके, अब एंटार्क्टिका आप समझ सकते हैं कि एकदम यहां पर बॉटम में है वो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी यहां एंटार्क्टिका,
जिसको हम साउथ पोल और वो नॉर्थ पोल कहते हैं, आर्कटिक ओशन और नीचे एंटार्कटिक ओशन, नीचे एंटार्कटिका है ना, बॉटम साउथ। तो यहां पर नीचे एकदम मैप के निचले हिस्से में, तो सोचिए यहां और फिर बीच में इतना बड़ा समुद्र, फिर अगर उसी लाइन में देखा जाए तो यहां कहीं ऑस्ट्रेलिया और फिर उतना बड़ा समुद्र और फिर जाकर के इंडिया, तो हम लोग उससे बहुत बहुत दूर हैं। यही उनका कहना है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी दूर एंटार्क्टिका है, इतनी दूर इंडिया है, तब पर भी एंटार्क्टिका इंडिया का ही हिस्सा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री आगे बढ़ते, 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। व्हाट इज एमलगम? एमलगम जो दांतों में भरा जाता है, मर्क्यूरी और सिल्वर को मिलाकर के एक कंपाउंड बनता है, एक एलिमेंट बनता है जिसे हम अमलगम कहते हैं। तो अमलगमेटेड एक शब्द मतलब कि जोड़ के बना हुआ, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, ओरिजिनली अमलगम की बात नहीं हो रही, सिर्फ अमलगमेटेड की बात हो रही है। एंड विच इज द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वॉज नोन एज गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना कहा जाता था जो नीचे का हिस्सा हुआ करता था। मैंने बताया ना आपको, पूरा का पूरा एक्सपैंड किया और फिर जब ये अलग अलग टुकड़ा हुआ तो एक गोंडवाना बन गया और दूसरे वाले का नाम भी आई गेस आई डोंट रिमेम्बर इट राइट एग्जैक्टली नाउ, बट यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट। और हमें उससे मतलब भी नहीं, सिर्फ पता करने के लिए फाइंड आउट करना है, अभी हमें सिर्फ गोंडवाना से मतलब है, हमारा चैप्टर गोंडवाना के आसपास है। सो ऐसा यकीन हो गया कि गोंडवाना भी शायद सचमुच में हुआ करता होगा। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका देयर वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। ह्यूमंस का अभी तक कोई जिक्र नहीं था और उस जगह का टेम्परेचर भी बड़ा गर्म हुआ करता था। अंटार्कटिका जैसी जगह का टेम्परेचर गर्म था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। And the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे वहां पे, फ्लोरा भी थे और फौना बहुत सारे जानवर जीव जंतु भी थे। For 500 million years ago, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries and shaping the globe much as we know today. समझ में आई बात? डायनासोर तब एग्जिस्ट करते थे जब धरती अर्थ बहुत बहुत ज्यादा गर्म हुआ करती थी, वॉल्केनोज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और उसी में डायनासोर को रहने के लिए बहुत गर्मी चाहिए। तो उस समय गर्मी थी, उस समय ये सारी चीजें चल रही थी। और जैसे ही व्हेन द थिंग्स गॉट डिफरेंट, व्हेन द थिंग्स चेंज्ड, तो ये चीजें बदलने लगी, चेंज होने लगी। धीमे धीमे टेम्परेचर घटता गया तो डायनासोर विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फिर धीमे धीमे वो कॉन्टिनेंट्स थ्राइव होने लगे, आपस से दूर होने लगे और ड्रिफ्ट होते 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 एंटार्क्टिका, पहले ये पूरा धरती, ये पूरा मान लीजिए पूरा ओशन है और सिर्फ बीच में इतना बड़ा एक टुकड़ा पैंजिया हुआ करता था। फिर ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग हुआ, अलग अलग होते होते आज ये पूरे टेबल पर, अगर हम पूरे ग्लोब को ऐसे फ्लैट रख दें तो ऐसे हम देखें कि जैसे आज हम वर्ल्ड मैप अपना फ्लैट देखते हैं ना, चार्ट लगा रहता है वर्ल्ड मैप का फ्लैट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उस तरीके का बन चुका है कि सब चीजें अलग अलग हो चुकी। ठीक, टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। वी गेट टू ग्रैप of where we could have come from and where we could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordillerian folds and pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up to Drake Passage to create a cold circumpolar current and keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world.
दुनिया को अगर आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के करीब जा रहा है और ऊपर खिंच रहा है, आपस में चिपक रहा है, या इंडिया और एशिया के बीच में जो दूरी है वो कम हो रही है, या इंडिया और एंटार्क्टिका की या इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, अगर आप उसे ऐसे सोचिए दो छोटे टुकड़ों की तरह, दो अमीबा की तरह कि एक वहां से आ रहा है एक यहां से आ रहा है, दोनों आपस में ऐसे आके ज्वाइन होकर के एक कंबाइन हो जाए, तो उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि जरा सोच के देखिए कि ऐसा हो तो क्या हो। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, जो कि सूरज की पूजा करते हैं साउथ इंडिया के लोग, 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, no buildings, you lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from microscopic to the mighty, midges and mites to blue whales and icebergs. As big as countries, the largest recorded the size of the Belgium, bataiye, sabse bada iceberg jo aaj ki tarikh mein record kiya gaya hai, wo Belgium country ke barabar hai. Belgium, you people know? Kuch nahi pata rehta tum logo ko. Main nahi bata raha. Find out. तो क्या बता रहे हैं ये, इनका कहना है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी कोई शुगर बॉल है, कॉटन बॉल है, जिसके ऊपर मैं गोल 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 ऐसे ऐसे चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ जमीन खत्म हो रही है, कहाँ जमीन आ रही, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधे नहीं, कोई नदी नहीं, सिर्फ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पहाड़, बर्फ का प्लेन, बर्फ की जमीन, सब तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। ह्यूमन इंपैक्ट, इंसानों ने उसके ऊपर क्या असर डाला है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स नाउ, तकरीबन 12,000 साल हो चुके हैं इंसानों की उत्पत्ति हुए। बेयरली अ फ्यू सेकेंड फ्रॉम द जियोलॉजिकल क्लॉक, इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिन बाय दिन 12,000 साल हो गए हमारी उत्पत्ति के लिए, लेकिन कोई भी जगह, कोई भी शहर, कोई भी लैंड ऐसा पड़ा हो कि जो खाली हो, तो वो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सिर्फ खाली रहे, कहीं ना कहीं से किधर ना किधर से लोग आ करके उसे घेर लेते हैं, बस जाते हैं, और पॉपुलेशन बढ़ते 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 बढ़ते, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आबादी बढ़ते 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 बढ़ते, इतनी ज्यादा सब चीजें हो गई कि हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। एंटार्क्टिका जैसी जगह भी जो कि एकदम ठंडी हुआ करती थी, उसे भी हमने पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड फैला फैला के गर्म कर दिया। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी डिबेट, वाद विवाद होता है तो वो हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है, और अक्सर वाद विवाद होता रहता है क्योंकि वो इतना ह्यूज, इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक, सो विल द वेस्ट, क्या आपको लगता है कि जो वेस्ट की शीट है, ग्लोबल शीट है, क्या कहते हैं आप, बर्फ की जो शीट है, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से गल जाएगी? Will the Gulf Stream Ocean Current be disrupted? क्या आपको लगता है कि जो Gulf Ocean Stream है वो disrupt हो जाएगा? Will it be the end of the world as we know it? Maybe or maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, and not just because it's the only place in the world where which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. अभी तक भी एक ऐसी जगह सिर्फ बची हुई है कि जहां पर इंसान अभी तक पहुंच करके उन्होंने गंदगी नहीं फैला रखी है, रायता नहीं फैला रखा है। क्या ये ऐसा भी रहेगा
या फिर ये भी बदल जाएगा या फिर इंसान इसको भी बाकी सब चीजों की तरह खराब कर देगा. सो इन दिस रिस्पेक्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इन इट्स आइस कोर हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. ठीक है, इसके बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड see you soon. Please keep on following, keep on reading. These videos are absolutely free and only for you right here on YouTube. For anything you can follow me on the comment section and my email ID or telephone number, right? Thank you very much.